जिस चेहरे को हमारी खुद की उंगलियां भी ठीक से नहीं जानती, उस चेहरे को लोग घर में बैठकर कुछ उंगली चलाकर जानने का दावा करते हैं। आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों? व्हाई? हाँ हाँ, मैं राहुल से कोऑर्डिनेट कर लूँगा। नहीं, मैं बात कर लूँगा उससे। हाँ ठीक है, अनस आ गया है। क्या ये सच है आखिर? Yes, I need your help. यार आसिल, हाँ मैंने माना तू एक हैकर है, तूने बहुत सी चीज हैक की है, बट यार इतना आसान नहीं किसी ऐप को हैक करना। But it's not impossible, right? यार आसिल, ऐसा क्या है जो तू टिकटॉक को हैंग करना चाहता है? I mean, अगर हमने ऐसा कर भी दिया तो तू जानता है दुनिया में कितना हंगामा मच जाएगा। इन बच्चों की लड़ाई में तू क्यों इतना सीरियस हो रहा है यार? क्यों? आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस। मैं मेरे यूथ को बचाना चाहता हूँ यार। यूथ को? यार आसिल, ऐसा नहीं है। एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ म्यूचुअल टर्म्स होते हैं, और इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि एक ऐप की रीडिंग कराने से कुछ नहीं हो सकता। इस जस्ट अ फन ऐप। फन ऐप? इस फन ऐप ने मेरी बहन की जान ले ली। व्हाट? यस, 3 days बैक आई लव माय सिस्टर। शी वॉज अ टिकटॉक स्टार, दिन रात लगे रहती थी। शी वॉज अ क्रेजी, मम्मा उसको हमेशा डांटती थी कि कुछ काम कर ले, बट नहीं उस पर तो भूत सवार था। कई बार मुझको बोलते थे कि भैया मेरे फोन के स्टैंड बन जाओ। और तू जानता है अनस, उसने ऐसा क्यों किया? सी, उसके टिकटॉक पर सिर्फ 120 फॉलोवर्स थे, उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करता था यार। और मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे तेरी हेल्प चाहिए यार। सो क्या करना है आप? मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि दुनिया सोशल मीडिया से कहीं ज़्यादा ऊपर है। ये फॉलोवर्स कोई मायने नहीं रखते अगर रियल लाइफ में तुम्हें पूछने वाला कोई है ही नहीं। इट्स नॉट अबाउट सिस्टर, वेयर इज समथिंग जब मैं देख कर भी अनदेखा नहीं कर सकता हूँ, सुन के भी अनसुना नहीं कर सकता हूँ। इस ट्रेंड्स और ब्रांड्स के बीच में कुछ है जो दब गया है, जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। सो व्हाट द प्लान? ये कुछ पैसे बहन के लिए संभाल के रखे थे, सोचा था कि उसको एक बढ़िया एक्ट्रेस बनाऊंगा, एक फिल्म स्कूल में भेजूंगा ताकि सीख सके कि फिल्म कैसे बनती हैं। पता नहीं था इसका इस्तेमाल ऐसा होगा। तू जानता है आसिल, आज हर एक बंदा अपने आप में चलता फिरता एंटरटेनमेंट है। यूट्यूबर जहाँ एक महीने में 2 से या 3 वीडियो डालता है, वहीं टिकटॉकर एक दिन में 20। इस दुनिया में बहुत से छोटे से आर्टिस्ट हैं, उन्हें कोई समझता नहीं है यार। किसी को फोटो एडिटिंग का शौक है तो वो घर पे बैठ के अपने मोबाइल में फोटो एडिट कर रहा है। किसी को कैमरामैन बनने का शौक है मगर उसे कोई कैमरा चलाने को देता नहीं है। किसी को सिंगिंग का शौक है तो किसी को डांस, और किसी को तो राइटिंग का।
बट मेरे भाई ये ना कोई सपोर्ट नहीं करता और इन लोगों को कोई नहीं जानता और ये कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है यार। दिस कंपटीशन हैज टू स्टॉप, इसलिए अब सच में कोई जानने लग गया है। हेलो एक्जीमेटिक रन टाइम, हेलो इफेक्ट एरिया, हेलो हेलो आसिल, देयर इज नो स्केप, पुलिस आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नाउ नथिंग कैन बी डन। लेकिन 11 मिनट के लिए उनकी वाट लग जाएगी, अगले 11 मिनट के लिए टिकटॉक पर सिर्फ हमारी वीडियो चलेगी। यू वॉन्ट टू कॉन्सिक्वेंसेस राइट? I know the consequences and I'm ready to face it. Okay. Pin code. जिस चेहरे को हमारी खुद की उंगलियां भी ठीक से नहीं जानती, उस चेहरे को लोग घर में बैठकर कुछ उंगली चलाकर जानने का दावा करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, और जब एक चेहरे से मन भर जाता है तो किसी दूसरे चेहरे को ढूंढने के लिए स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। लेकिन उसके साथ हमारी ज़िंदगी क्यों स्क्रॉल डाउन हो जाती है? क्योंकि हमने ज़िंदगी को इन लाइक्स और डिसलाइक्स के हवाले कर दिया है। कसूर किसका है? इन एंटरटेनमेंट बनाने वाले प्लेटफॉर्म का या इनसे जुड़ी हमारी बचकानी उम्मीदों का? क्या सच में दुनिया पर डाउनलोडिंग टिकी हुई ये फन ऐप तय कर सकती है कि आप कितनी देर खुश रहेंगे और कितनी देर नहीं? शायद मैं भी कल तक इन लोगों को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानता था, बट मैं गलत था। इंसान अपना टैलेंट दिखाने के लिए नई नई चीज़ें बनाता है, लेकिन अगर इन्हें थोड़ा सा भी साथ ना मिले तो ये पूरी तरह बिखर जाते हैं। मैं कहता हूँ पूरा ना सही, बट अगर आपका थोड़ा सा भी साथ इन छोटे आर्टिस्ट को मिल जाए तो इनके दिल में फिर से आगे बढ़ने के लिए उम्मीद जग जाएगी। हमने क्यों अपनी जान इन मोबाइल्स और टिकटॉक पर डाल रखी है? इन मोबाइल से बाहर निकल कर देखें तो ये दुनिया आपको रंगीन दिखेगी। लोग एक चीज़ को आईना मानकर खुद से ही पैर कर बैठे हैं और रो रहे हैं उस मोर की तरह जो सबसे सुंदर होकर भी नाचते हुए अपने पैर को देखकर रोता है। सिर्फ मैंने ही अपनी बहन को नहीं खोया है, किसी आर्टिस्ट के ऊपर हंसना और उसका मजाक उड़ाना, अगर ये कॉम्पिटिशन अभी नहीं रुका तो इसकी संज्ञा लाखों तक जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब आप किसी आर्टिस्ट को देखें तो आपके कानों में ज़रूर यह आवाज़ गूंजेगी कि मैंने इस आर्टिस्ट को सपोर्ट क्यों नहीं किया। वाई